फैन, ये फैन बंद कर दीजिए भैया, इससे आवाज आ रही है। आवाज बढ़ाइए इसकी, कहाँ से बढ़ेगी? माइक की आवाज बढ़ाओ, माइक की। मित्रों, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी आपको संबोधित करेंगे। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। मित्रों, आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज के ही दिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने शपथ ग्रहण की थी। इसके 30 साल का कालखंड आज समाप्त होगा। ये जो 3 साल गए हैं, वो 3 साल मैं मानता हूं कि काफी सारी चीजों में इन 3 सालों में नए मील के पत्थर क्रॉस करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये 3 सालों में देश की जनता का आत्मविश्वास बढ़ा है। ये 3 सालों में दुनिया में देश का गौरव प्रस्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सफल रहे हैं। और ये 3 सालों में देश की सोच का स्केल बदलने में भी इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सफल रहे हैं। ये 3-4 सालों में देश की राजनीति में आमूलचूर परिवर्तन आया है। इस देश की राजनीति से परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण, ये तीनों नासूरों को उखाड़ कर फेंकने का काम ये 3 सालों में हुआ है। मैं मानता हूं कि देश की राजनीति के लिए बड़ा शुभ संकेत है। 70 साल की आजादी में कुछ बातें जो अचीव नहीं कर पाए, वो इन 3 सालों में अचीव कर पाए हैं। और इसीलिए हमने इन 3 साल के हमारे लोक संपर्क के अभियान का नारा बनाया है, साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। 3 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी को एनडीए के सांसदों ने नेता चुना, उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि ये जो सरकार बनने जा रही है वो सरकार गरीबों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी, आदिवासियों की सरकार होगी, महिलाओं और युवाओं की सरकार होगी। ये सरकार पारदर्शी तरीके से चलेगी, ये सरकार निर्णायक तरीके से चलेगी और ये सरकार देश के गौरव को दुनिया में प्रस्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहेगी। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है उसने ये सभी बातों को पूरा करने का काम 3 साल के अंदर किया है। एक के बाद एक घपले, घोटाले और 12 लाख करोड़ के करप्शन के आरोपों के बाद एक नई सरकार बनती है और 3 साल ऐसे चलती है कि हमारे विरोधी भी 3 साल तक हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश के करोड़ों पिछड़े जिस सम्मान की राह देखकर बैठे थे, संवैधानिक मान्यता की, काका साहेब कालेलकर कमीशन से लेकर आज तक देश के करोड़ों पिछड़ों को वो सम्मान देने में हर सरकार सफल नहीं हो पाई थी।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर देश के करोड़ों पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया है। देश के करोड़ों जवान जो रिटायर्ड हो चुके हैं, 40 साल से वो वन रैंक वन पेंशन की मांग करते रहे, हर बार वो मांग सरकार के बहरे कानों पर टकराकर वापिस लौट गई, मगर इस बार ये संवेदनशील सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा कर लगभग 8,000 करोड़ रुपया देश के जवानों में के खाते में सीधा पहुंचाने का काम किया है। सैटेलाइट अंतरिक्ष की दुनिया में अब तक 1, 2, 5, 6 सैटेलाइट छोड़कर भारत के वैज्ञानिक संतुष्ट नजर आते थे, मगर 3 साल के बाद एक ऐसा दिन देश के अंतरिक्ष के इतिहास में आया कि एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थित कर भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़े हैं। देश में हमेशा देश की सीमाओं की सुरक्षा की तो बात होती थी, मगर देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए पॉलिटिकल विल का परिचय कभी नहीं दिया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक कर सेना के जवानों ने जो वीरता दिखाई और देश के प्रधानमंत्री ने जो पॉलिटिकल विल का परिचय दिया है, इससे देश दुनिया में एक मजबूत इच्छा शक्ति वाले राष्ट्र के नाते प्रस्तावित करने में हमें सफलता मिली है। शत्रु संपत्ति बिल भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण शत्रु संपत्ति को निजी संपत्ति में तब्दील करने में कोई रोक नहीं थी। वोटों की राजनीति के कारण, मत बैंक की राजनीति के कारण विपक्षी पार्टियां इसके साथ खिलवाड़ कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक राष्ट्रवादी परिचय सरकार का देते हुए शत्रु संपत्ति बिल को आज कानून में तब्दील कराकर बहुत बड़ा काम किया है। कठोरता से वन रैंक वन पेंशन का एक साहसी निर्णय लिया गया, नोटबंदी का एक साहसी निर्णय लिया गया और उसके पीछे ही सेल कंपनियों पर एक प्रकार से तबाही बुलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काले धन को निरस्त करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। बेनामी संपत्ति का कानून लाकर एक और कड़ी काले धन को रोकने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगे बढ़ाई है। और सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाने के लिए चुनावी राजनीति में से काले धन के दुष्प्रभाव को निरस्त करने के लिए जो 20,000 तक के चंदे की छूट थी उसको कम कर 2,000 का करने का काम और एक करने का साहस नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चुनाव सुधार का एक नया सोच प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी राजनीतिक दलों के सामने और देश की जनता के सामने रखा है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सारी चुनावी व्यवस्था का चुनाव एक ही दिन हो और हर 5 साल बरोबर उसी दिन चुनाव होते रहे। इस प्रकार की एक नई व्यवस्था को एक चर्चा का प्लेटफॉर्म देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने किया है। एक राष्ट्र एक कर जीएसटी देश के सभी उद्यमियों के लिए, व्यापारियों के लिए एक स्वप्न बना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी दलों को साथ में लेते हुए जीएसटी को पारित कर मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा काम किया है। 1100 से ज्यादा कानून जो अप्रासंगिक बन गए थे, इरिलेवेंट बन गए थे, इसको रिपील कर कानून के जंगल को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा काम है। मनरेगा के अंदर 48,000 करोड़ रुपीज ज्यादा देकर हमने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। देश के गरीब के लिए एक बहुत बड़ा राहत का काम हुआ है। भीम ऐप आज दुनिया का डिजिटल ट्रांजेक्शन में सबसे पॉपुलर ऐप बनकर रहा है। भीमराव अंबेडकर जी के नाम के साथ उसको जोड़कर नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर जी के अर्थशास्त्री नाते जो गुण था उसको दुनिया के सामने लाने का काम किया है। ये सरकार संवेदनशील सरकार है मित्रों। विकलांगों को दिव्यांग जन का नाम देना और उसके लिए कानून बनाना, मैं मानता हूं देश के करोड़ों दिव्यांगों को सम्मान दिलाने लायक काम ये सरकार ने किया है। मैटरनिटी की छुट्टियों को 26 सप्ताह की कर इस देश की हजारों करोड़ों सगर्भा महिलाओं को भी मोदी जी ने अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल करने का मौका दिया है। मित्रों, ये निर्णायक सरकार है।
ये फैसले करने वाली सरकार है। पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रस्त सरकार की जगह हमने 3 साल के अंदर एक निर्णायक सरकार देने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए इस सरकार ने बहुत कुछ किया है, मैं इसकी ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, लिटरेचर जब आपको मिलेगा तब इसके अंदर ये डिटेल होंगे। योग दिन के माध्यम से भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया है। तेजस को वायुसेना में सम्मिलित कर एक मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा बल देने का काम किया है और सेना के आधुनिकीकरण को भी इस सरकार ने बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया है। पेरिस जलवायु सम्मेलन में भारत की भूमिका को पूरी दुनिया ने सराहा है और जलवायु के मामले में आज भारत ग्लोबल लीडर करके प्रस्तावित हुआ है। और मित्रों, अंत में लाल बत्ती को हटाने का काम कर इस देश में से VIP कल्चर को भी बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नमामि गंगे और स्वच्छता अभियान के माध्यम से जन समस्याओं को जन भागीदारी से सुलझाने के लिए एक सरकार ने नई पहल की है। मित्रों, बहुत सारा विकास का काम हुआ है, मैं और डिटेल में बताऊंगा, मगर मैं आपको गर्व के साथ बताना चाहता हूं, 2016-17 में यूरिया का रिकॉर्ड उत्पादन आजादी के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुआ है। 2016-17 में सबसे ज्यादा इथेनॉल पेट्रोल के अंदर डीजल के अंदर मिश्रित करने का काम हुआ है। सबसे ज्यादा घरेलू गैस कनेक्शन 2016-17 में दिए गए हैं। सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन 2016-17 में हुआ है। आजादी से अब तक सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन 2016-17 में हुआ है। बंदरगाहों में मालों की आवाजाही आजादी से अब तक सबसे ज्यादा 2016-17 में हुई है। सबसे ज्यादा पूंजी रेलवे के विकास के लिए 2016-17 में लगाई गई है। सबसे ज्यादा किलोमीटर राजमार्ग 2016-17 में बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कें 2016-17 में बनाई गई है। सबसे ज्यादा मोटर गाड़ी 2016-17 में बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा टू व्हीलर 2016-17 में बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का निर्यात 2016-17 में किया गया है। वर्ल्ड बैंक के डूइंग बिजनेस इंडिकेटर्स के मामले में सबसे अच्छी रैंकिंग 2016-17 में प्राप्त की है। और सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार अब तक 2016-17 में अर्जित किया गया है। यही बताता है कि नरेंद्र मोदी सरकार किस तरह से काम कर रही है। 3 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने न्यू इंडिया की नींव रखी है, देश को महान भारत बनाने की दिशा में बहुत आगे बढ़े हैं। मित्रों, जहां तक सोशल सेक्टर का सवाल है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 28.52 करोड़ बैंक अकाउंट खोलने का काम कर आज देश के हर गरीब परिवार को अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सुरक्षा योजना के तहत 13 करोड़ लोगों का बीमा उतार कर उनको एक सुरक्षा कवच देने का काम किया है। 2 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को गैस का चूल्हा पहुंचाकर उनकी झोंपड़ी में से धुएं को गायब करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और 5 करोड़ लोगों को गैस देने का 2019 के पहले लक्ष्यांक तय किया है। गिव इट अप के तहत 1.5 करोड़ लोगों ने अपनी सब्सिडी स्वतः ही छोड़ दी है। जेनरिक दवाओं और अमृत स्टोर के माध्यम से गरीब को अपने स्वास्थ्य लाभ का अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। स्टेंट का मूल्य को 7,000 से लेकर 40,000 तक सीमित कर गरीब को भी अपने दिल का इलाज कराने का अधिकार दिया है। 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली ही नहीं थी, उसमें से 13,000 गांव में बिजली पहुंचा दी गई है। और 2018 मई के पहले, मतलब 1 साल के बाद, ये सारे गांवों में बिजली पहुंचाने का काम हो जाएगा। मुद्रा बैंक के माध्यम से लगभग 7.5 करोड़ युवाओं को स्वरोजगारी के लिए लोन देने का काम हमने किया है। 2018 में लेप्रसी और कालाजार से मुक्त होने का भारत ने एक लक्ष्य सिद्ध किया है और वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। और 2020 तक चेचक से मुक्ति पाने का लक्ष्य हमने तय किया है, वो भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ा है। 4.5 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है। मिशन इंद्रधनुष के तहत लगभग 7 करोड़ बच्चों को टीकाकरण देने का काम
अरे भाई अभी चुनाव नहीं हारने वाले, काम में नहीं आएगा। मिशन इंद्रधनुष के तहत 7.5 करोड़ बच्चों को टीका देने का काम किया है। स्किल इंडिया के माध्यम से बहुत बड़ा स्किल अपग्रेडेशन का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लगभग स्टैंडअप, स्टार्टअप और मुद्रा बैंक तीनों मिलाकर लगभग 8 करोड़ लोगों को रोजगारी देने का काम किया है। मेक इन इंडिया के माध्यम से देश के अंदर उत्पादन बढ़ाना और रोजगारी को जनरेट करने में बड़ी सिद्धि हासिल की है। न्यूनतम मजदूरी में 42% की वृद्धि हुई है। यूनिवर्सल पीएफ अकाउंट के माध्यम से उनकी बहुत सारी तकलीफों को मजदूरों की दूर किया गया है। 1,000 रुपया मिनिमम पेंशन कर गरीब मजदूर और बूढ़े मजदूरों को सम्मान देने का काम किया है। वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों के लिए इंटरव्यू समाप्त कर मेरिट से सबको लेने के लिए एक बहुत बड़ा पारदर्शी सिस्टम भारत सरकार ने अपनाया है और भाजपा की सभी सरकारों ने भी इसको एडॉप्ट किया है। मित्रों, जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, आज हम दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बने हैं। महंगाई बाय एंड लार्ज काबू में है। विदेशी मुद्रा भंडार 63 अरब डॉलर बढ़ा है। सेंसेक्स सारे रिकॉर्ड तोड़कर आज 31,000 को पार कर गया है। निफ्टी भी अब तक के सबसे ऊंची जगह पे स्थित हुई है। बीज उपलब्धता में दुनिया में हमारा स्थान 2014 में 99 नंबर पर था, उसको कुदाकर हम 2017 में 26वें नंबर पर आए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। IMF के अनुमान के हिसाब से हमारा GDP 7.2% रहेगा। 4.4 से हमने शुरू किया था, अब तक 7.2 तक पहुंचाने का काम किया है। औद्योगिक विकास दर 5.1% तक पहुंची है। कृषि विकास दर में बहुत बड़ी छलांग, नेगेटिव कृषि विकास दर था, उसको हम 4% से ज्यादा रखने में सफल हुए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा तय किए हुए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 2014 में 71वां था, 71 प्लेस पर हम थे। 2017 में हम 39वें स्थान पर आए हैं। लगभग आधे पायदानों को एक ही साल में हमने ऊपर उठाया है। FDI में 45% का उछाल आया है। नेमूरा के आंकड़ों के हिसाब से एक्सपोर्ट के अंदर शुरुआत की जो घट थी उसको मार्जिनलाइज करते हुए हम 27.6% की वृद्धि को अगले साल के हिसाब से पा सके हैं। ब्याज दरों में काफ़ी कटौती करने में सफलता मिली है। राजकोषीय घाटे को 3.9% पर हम सीमित रखने में सफल हुए हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण है, 20% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो आज़ादी के बाद सबसे पहली बार इतनी बड़ी वृद्धि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में ली गई है। व्यक्तिगत आय जो गत वित्तीय साल में 93,000 थी, वो इस साल 1,03,000 तक पहुंची है। एक ही वर्ष के अंदर 10,000 की बढ़ोतरी हुई है। लगभग 9.37 लाख करोड़ रुपया की कर चोरी को पकड़ा गया है। साइप्रस, सिंगापुर और मॉरिशस रूट बंद कर काले धन को यहाँ वापस लाने के रास्ते बंद करे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से जो लोगों ने बेनामी संपत्ति अर्ज की थी, उसमें से 14,933 करोड़ का, लगभग 15,000 करोड़ का संपत्ति सीज किया गया है। और 161 देशों को ई वीजा देकर 88 लाख पर्यटकों को, विदेशी पर्यटकों को हिंदुस्तान में लाने का काम हुआ है। ये लगभग 13% की वृद्धि है। जहाँ तक एग्रीकल्चर का सवाल है, आपदा के समय पर किसानों को सहाय देने के दोनों मानक रुपयों में और भूमि के क्षेत्र में डबल किया गया है। 4.1% पहले मैंने कहा ऐसे कृषि विकास दर दिया है। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना को सफलतापूर्वक जिलों तक पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। एक रिकॉर्ड उत्पादन हिंदुस्तान ने इस बार रवि फसलों में प्राप्त किया है। लेवी प्रणाली को समाप्त कर दिया है। ऋण की राशि में को 2 गुना कर दिया गया है। गन्ने का बकाया लगभग देश में समाप्त कर दिया गया है। नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से पेस्टिसाइड की खपत को भी कम किया है, यूरिया की खपत को भी कम किया है, और यूरिया की उपलब्धता देश में जितनी चाहिए इतनी किसान को मिल सकती है। और खादों के दामों को भी भारत सरकार ने नीचे किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाकर नरेंद्र मोदी जी ने बुआई से लेकर खलियान तक पूरी व्यवस्था को, कृषि की पूरी व्यवस्था को
एक सुरक्षित सुरक्षा कवच देने का काम किया है, एक कंप्लीट इंश्योरेंस स्कीम देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। ई मंडी के माध्यम से उनकी उपज को ज्यादा दाम मिल सके इसके लिए उनको एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। सपोर्ट प्राइस में लगातार 3 साल एक के बाद एक साल हम बढ़ोतरी करते गए हैं। धान दलानों की खरीदी पहली बार आजादी के बाद भारत सरकार ने सपोर्ट प्राइस से कर दलानों के किसानों के लिए बहुत अच्छा फायदा दिला है और किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटल कर हमने किसानों की सुविधा में बहुत उपलब्धता कराई है। कोयला ब्लॉक्स और स्पेक्ट्रम की ई नीलामी कर भ्रष्टाचार को दूर करने का काम किया है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, रेलवे फ्री राजमार्गों की कल्पना रखकर 2020 तक पूरे हिंदुस्तान के राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग फ्री बनाने का काम किया है। कश्मीर में सबसे बड़ी सुरंग का भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया और आज भूपेन हजारिका ब्रिज का भी, सबसे बड़े ब्रिज का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी मोदी ने किया है। विद्युत उत्पादन क्षमता को 1/3 बढ़ोतरी की है, ट्रांसमिशन में 1/4 बढ़ोतरी की है। रेलवे आधुनिकरण के लिए 1,21,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 23 करोड़ LED बल्ब के माध्यम से ग्राम सड़क लोगों को LED बल्ब उपलब्ध कराकर उनके घरों में बिलों की कटौती हुई है। ग्राम सड़क योजना में 130 किलोमीटर हर रोज रोड बन रहे हैं। उड़ान स्कीम के माध्यम से 1 घंटे की उड़ान में 2500 रुपया के किफायती रेट पर आज सब लोग ट्रैवल कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था की है। सागरमाला कार्यक्रम में 104 आंतरिक जल मार्गों को चिन्हित कर उसको डेवलप कर रहे हैं। नाविक नेविगेशन को दुनिया के कई देश उसको स्वीकार करने के लिए भारत के साथ आज चर्चा कर रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी को मेरिट्स के आधार पर चयन किया गया है और 2022 तक 4 करोड़ घरों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, कुल मिलाकर मैं इतना ही कह सकता हूं, आपके सवालों में आएगा कि कांग्रेस ने ये कहा है, कांग्रेस ने वो कहा है, मगर मैं बता देता हूं, आप सभी की टिप्पणियां, विपक्ष की टिप्पणियां, स्तंभ लेखकों के कटार लेख, ये सारे चीजों का बहुत महत्व है सार्वजनिक जीवन में, लोकतंत्र में, मगर सबसे बड़ी बात जनादेश होती है। 2014 के चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए, सब चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जनाधार को बढ़ाया है, ज्यादातर चुनावों में विजय प्राप्त की है। ये नरेंद्र मोदी सरकार को भारत की जनता का सर्टिफिकेट है। देश की जनता मानती है कि ये सरकार गरीबों की सरकार है। देश की जनता मानती है कि ये सरकार देश के गौरव को बढ़ाने वाली सरकार है। देश की जनता मानती है ये पारदर्शी सरकार है। देश की जनता मानती है ये निर्णायक सरकार है। और देश की जनता मानती है नरेंद्र भाई आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय लोक नेता बनकर उभरे हैं। ये 3 साल की बातों में सिद्ध हो गया है। मुझे इतनी ही बात करनी थी, अब आराम से आप बात करिए। एक मिनट एक एक करके भी लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप सर्जिकल स्ट्राइक को क्या मानते हो? अरे बहुत सारा काम हो रहा है भैया, मगर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको उपलब्धि में नहीं गिनाया जा सकता। जहां तक कश्मीर सरकार का सवाल है, किसी 2-3 महीनों को कश्मीर समस्या को लेकर नहीं देखना चाहिए। 89 से लेकर आज तक कई ऐसे पेच आए हैं, 6 महीने के, 8 महीने के, 1 साल के, जिसमें कश्मीर समस्या गंभीर होकर उभरी है और बाद में भारत ने स्थिति को कंट्रोल कर लिया है, सीमा हमारे सुरक्षा बलों ने किया है। इस बार भी मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार कश्मीर समस्या को बहुत गंभीरता से और महीम तरीके से देख रही है। इस पर बहुत जल्दी ही काबू कर लिया जाएगा। देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी। उन्होंने 10 साल तक निकाला होता तो शायद सरकार न गई होती। मित्रों, मैंने बताया है, हमने रोजगार का वो एक नया दृष्टिकोण देने का प्रयास किया है। 100
25 करोड़ के देश को नौकरियों से रोजगार देना असंभव होता है और हम सब ने नजर को विकसित करना पड़ेगा। हमने लगभग 8 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का प्रयास किया है और नौकरियों की उपलब्धता के सटीक आंकड़े निकालने का सिस्टम भी उपलब्ध नहीं है। पूर्णिमा जोशी, नहीं हमने इमरजेंसी नहीं डाली। पूर्णिमा जी, मिसिस गांधी के साथ कंपेयर मत करिए, हमने इमरजेंसी नहीं डाली। आप लोगों के मुंह पर ताले नहीं लगा दिए हैं, कैसे आप मिसिस गांधी से कंपेयर कर सकती हैं? आप लोगों को बोलने की स्वतंत्रता भी नहीं थी 75 में। और जहां तक ये सारी इंक्वायरी और रेड्स का सवाल है, वो लोगों ने तथ्य के सामने मीडिया के साथ आना चाहिए किस प्रकार से ज्यादती हो रही। अगर 1,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिलती है तो सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी? किस प्रकार का शासन हम चाहते हैं? अगर ये बात गलत है तो उन्होंने मीडिया के सामने रखनी चाहिए। वो ये नहीं रखते कि 1,000 करोड़ की संपत्ति नहीं है। नारदा के अंदर पूरी दुनिया ने देखा है, तृणमूल कांग्रेस के नेता कैमरे का सामने पैसे लेते हैं, शर्ट पहने बगैर पैसे लेते हैं, आधा शरीर उगाड़ा है वो खुला है और पैसे लेते हैं, और बाद में वो अपेक्षा करेंगे कि हम कार्यवाही न करें। वेंकट, हमारी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। नहीं, मैं हमारा पक्ष रख देता हूं, हमारी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। तमिलनाडु में सत्ता, नहीं, मगर इसमें मेरे व्यू का कोई सवाल नहीं है। हमने ऐसा कभी नहीं कहा। रजनीकांत जी राजनीति में आना चाहते हैं तो उसका स्वागत है। मैं राजनीति शब्द प्रयोग कर रहा हूं, बीजेपी नहीं कर रहा हूं, और वो निर्णय रजनीकांत जी ने करना है। सुजीत ठाकुर, जरा हंसा लो सबको। दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। मोदी जी की लोकप्रियता ही भाजपा की लोकप्रियता है और भाजपा की लोकप्रियता ही मोदी जी की है। सुजीत ठाकुर की है तो अलग मानी जाएगी, मोदी जी की कैसे अलग कर दोगे? हमारे सर्वोच्च नेता है भैया। पायल, देखिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कोई भी, मुझे मालूम नहीं है केरला में किसने क्या कहा, मगर कोई भी व्यक्ति आर्मी के सम्मान के साथ इस प्रकार के छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। आर्मी का सम्मान करना चाहिए। यही वो लोग हैं जो देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं, यही जो लोग हैं हमें बोलने की भी स्वतंत्रता देते हैं और जीने की भी मंजूरी देते हैं। अमित कुमार सिंह, News24। नहीं, अब कांग्रेस का इतने चुनाव के हार के बाद क्या नाम रखा है वो भी तो पूछो उनको। भैया ऐसा है, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे किए हुए कामों का ये लोग क्रेडिट ले रहे हैं, मगर उनके किए हुए कामों का क्रेडिट उनको क्यों नहीं मिला? अब 3 साल के बाद हमें मिल रहा है? इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है, उनको कुछ तो बोलना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात की। विभा शर्मा, ट्रिब्यून।
अरे बहुत सारी चीजें रखी है, अभी ये समय नहीं है बताने का, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक महान भारत को बनाने की नींव डालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, एक मार्ग प्रशस्त हुआ है, इस मार्ग पर तेजी से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और देश को आगे ले जाएगी। एक मिनट अनुराग जी, अर्चिस मोहन। ना जी, ऐसा आप कर रहे हैं, मैंने नहीं कहा ऐसा। अरे भाई अब कहाँ गई है अभी नौकरियां, ये तो अखबार की रिपोर्ट है, आप अखबार की सारी रिपोर्टों को सच मानते हैं क्या? जनता नहीं मानती जी। अदिति राष्ट्रपति चुनाव के लिए था या गठबंधन के लिए था? अब मेरा टिप्पणी देना इसमें उचित नहीं है, वो लोग अपना प्रयास करने के लिए स्वतंत्र है। अनुराग त्रिपाठी। देखिए हर चीज को योगी सरकार ने प्रॉम्प्टली टैकल किया है, चाहे मथुरा की घटना हो, चाहे जेवर का कांड हो, चाहे सहारनपुर हो, और ये जो अभी अभी सरकार बदली है, प्रशासनिक फेरबदल भी बहुत जल्दी से योगी जी ने किया है, थोड़े समय में कंट्रोल आ जाएगा, मगर प्रॉम्प्टली कठोर कदम उठाने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। ना जी नहीं भूले हैं, अभी मैंने 3 साल में जो हुआ है वो आपको कहा है। रवीश तिवारी। देखिए हम भारत के हितों की सुरक्षा करते हुए हर एक पड़ोसी से अच्छे संबंध चाहते हैं, मगर ये परस्पर का मामला होता है, एक तरफा कभी नहीं हो सकता। हमारा काम भारत के हितों की सुरक्षा करना है और उसकी मर्यादा में सबसे हम अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। विनीत ईटे। कहां से लाए आप? नहीं, वो तो बहुत सारी राज्य सरकारों ने कानून बनाए, कोई नया कानून नहीं है भैया, बहुत सारी राज्य सरकारों ने बनाए, कांग्रेस के जमाने से बनता है। नहीं वो ठीक है, मगर ये देश के कानून के परिपेक्ष में है जो राज्य सरकारों के। नहीं भैया, कांग्रेस के बंटवारे के लिए हमें जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। अमित श्रीवास्तव। देखिए विपक्ष बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रहा है, हम देश को आगे बढ़ाने की रणनीति बना रहा है, ये दोनों में मूलभूत अंतर है। वो नीतीश कुमार जी से हमें तो कुछ संदेश नहीं, आपको कुछ मिला हो तो बता दो आप।
अनामिका रत्ना, नहीं तो उचित उचित समय पर विपक्ष से भी बातचीत की जाएगी। स्मिता शर्मा, रोकने के लिए एक भी घटना ऐसी नहीं है जहां पुलिस एक्शन नहीं लिए गए। कठोर से कठोर पुलिस एक्शन इमीडिएट सभी सरकारों ने लिए और उस पर कार्यवाही भी हो रही। हिमांशु आज तक, मेरी स्मृति जितनी है उसमें नहीं किया, आपकी स्मृति हो सकता है मुझसे ज्यादा तेज हो, बहुत पुराना कुछ याद है आपको। रविंद्र सिंह, नहीं देखिए मेजर गोगोई ने जो काम किया है वहां से चुनाव अधिकारियों को और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे उसको बचाकर कुशलता से वापस लेने का, इसका मैं अप्रिसिएशन भी करता हूं और समर्थन भी करता हूं। जहां तक सम्मान का सवाल है, ये एक प्रोसेस होता है, अभी ही सेना ने उनको सम्मानित किया है। मैंने जो किया है उसमें से एक चीज बता दे कि ये नहीं हुआ है, इतना स्पेसिफिक, मैंने तो स्पेसिफिक बात की है कि हमने ये किया है, वो किया है, वो ये किया है। आंकड़े छोड़िए ना, मैंने जो किया है वो है, आप स्टडी कर आओ, मैं तुरंत ही रिस्पॉन्स करूंगा अगर वो सच कह रहे, वरना ये सवाल जाकर उनको पूछो। प्रवेश जी, प्रवेश जी, हाँ तो वो उनका सुझाव है, रिस्पॉन्स मैं आपको क्यों दूं भैया। प्रवेश जी सर, हाँ। नहीं अभी ऐसी कोई बात हमारी विचारणा में नहीं। उषा श्रीवास्तव माननीय, वो बताना मुझसे अपेक्षा करती हैं आप। ये सारी चीजें मिडिल क्लास की, जेनरिक दवाइयां, अमरुद स्टोर, स्टैंड का किराया कम करना, मुद्रा बैंक योजना, सारी चीजें मिडिल क्लास के लिए ही है, हैं? अरे दवाई मिडिल क्लास को नहीं मिलेगी? दिल का दौरा पड़ने की स्थिति एडवांस में मालूम पड़ेगी तो स्टैंड मिडिल क्लास नहीं लगाएगा? ये सारी चीजें मिडिल क्लास के लिए है। बिजली पहुंचेगी तो मिडिल क्लास में अंधेरा रहेगा क्या? ये मैं स्पेसिफिक ही कह रहा हूं कि मिडिल क्लास के लिए भी है। नीरज जी, नीरज जी, ब्रजेंद्रनाथ सिंह, देखिए इसको बहुत सारे विपक्ष के लोगों को
मैंने देखा है अलग अलग तरीके से, और कुछ जर्नलिस्ट दोस्त भी अलग अलग तरीके से व्यंग्यात्मक तरीके से पूछते हैं। मगर मेरा आप सबसे अपील है कि जो 2 करोड़ महिलाओं के घर में गैस पहुंचा है उनको जाकर पूछे तो उनको लगता है कि अच्छा अच्छे दिन आ गए हैं। जिन 4.5 करोड़ घर में शौचालय पहुंचा है उसकी 16 साल की बच्ची को जाकर पूछे अब खुले में शौच क्रिया के लिए नहीं जाना पड़ता है, एक टॉयलेट बन गया है, तो उसको लगता है कि अच्छे दिन आ गए हैं। एक नाई का बेटा है, उसको कभी बैंक से लोन नहीं मिलता था, उसको 50,000 का लोन मिल गया है मुद्रा बैंक के तहत, उसको लगता है कि अच्छे दिन आ गए हैं। एक बच्ची है जो ब्यूटी पार्लर का ब्यूटिशियन का कोर्स करी है, ब्यूटी पार्लर बनाने के लिए लोन नहीं मिलता था, उसको 5 लाख मिल गया है, उसको लगता है कि अच्छे दिन आ गए हैं। नहीं नहीं एक सेकंड एक सौरभ रुक जाइए, सौरभ रुक जाइए। गांव नहीं पिछड़े है भैया, दिखाई इसलिए नहीं पड़ता है कि 500 सांसद है, हर साल एक गांव गोद लेंगे, और गांव देश में बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में है, पिछड़ नहीं गए। चलिए आपका सुझाव मैं पहुंचाऊंगा सौरभ तिवारी। यार तुमने जवाब दे दिया बहुत खुशी होती है। अनूप जी देखिए, नक्सल समस्या पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोनों फ्रंट पर बहुत अच्छा काम किया है। जहां जहां नक्सल समस्या है वहां के विकास के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। एक खदानों के फंड की रचना की है जो डेवलपमेंट, वो जिले के डेवलपमेंट के लिए होता है, उसमें 6,000 करोड़ रुपया नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेजा है, तो विकास के मामले में भी कर रहे हैं। और हमारी सरकार का गृह मंत्रालय कठोरता से नक्सल प्रभावित एरिया में उसको नकेल कसने के लिए काम कर रहे हैं और अच्छे परिणाम भी मिले हैं। मगर ये लड़ाई है, कभी कभार घटनाएं होती है, मगर हमने बहुत प्रभावी तरीके से नक्सल समस्या पर काबू पाने का काम किया है। चलो मित्रों धन्यवाद, अब आप सवाल बनाने लगे हो, आपके सवाल समाप्त हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद।